हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। देखिए आज मैं आपके लिए एक टॉवल हैंगर का नया डिजाइन लेकर के आई हूँ। देखिए कितना ही ब्यूटीफुल और कितना यूनिक डिजाइन है ये। इसमें मैंने ये रिंग को अटैच करने का भी एक अलग तरीके से किया हुआ है। तो देखिए इसको बनाने में बहुत ही कम समय भी लगता है, हमको कम सामान भी लगता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमको यहाँ पर दो कलर का मैक्रम चाहिए। मैंने येलो एंड ब्लू कलर का लिया है और एक ये 2.5 इंच का रिंग चाहिए। मेरे पास रिंग अवेलेबल नहीं था तो मैं ये चूड़ी डाले दे रही हूँ। और ये एक 8 इंच का रिंग चाहिए हमको। दो कलर के हमको मोती चाहिए, मैंने यहाँ पर दो कलर लिया। आप एक कलर भी यूज कर सकते हैं, येलो एंड ब्लू मैंने ही लिया है। और ये ब्लू कलर का बेल्ट लिया है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको फ्रेंड्स क्या करना है, इस रिंग में हमें सारे धागे अटैच करने हैं। हम इस रिंग को इसमें फंसा लेंगे। तो ये हम जो धागे लिए हैं, मैंने यहाँ पर 8 धागे लिए हैं, 4 येलो और 4 ब्लू। और इनको मैंने 2.5-2.5 मीटर में सारे धागों को कट किया है। 8 धागों को हमें 2.5-2.5 मीटर में कट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मैं येलो कलर का कॉर्ड लूंगी और उसको देखिए इस तरीके से हाफ करने के बाद में इस तरीके से हाफ करेंगे और इसमें अटैच कर, इस तरीके से इसमें हम अटैच करेंगे। देखिए फिर एक और हम कॉर्ड लेंगे ब्लू कलर का ही, उसको भी हमें ऐसे ही अटैच कर देना है। ये देखिए दो हमारे ब्लू कलर के अटैच हो चुके हैं। अब हमको येलो कलर के कॉर्ड अटैच करने हैं, उनको भी हमें इसी तरीके से डबल करके इसमें अटैच कर देना है। देखिए दो हमारे ब्लू अटैच हो चुके हैं, दो येलो, लेकिन अब हमको यहाँ पर बीच में येलो चारों अटैच करने हैं। ब्लू हमारे साइड में रहेंगे और येलो हमारे बीच में रहेंगे। आप चाहिए तो अगर यही कलर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ब्लू भी बीच में कर सकते हैं, येलो साइड में कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे खुद के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये देखिए चारों हमारे येलो इसमें अटैच हो चुके हैं। 6 धागे हमने यहाँ पर अटैच कर लिए हैं और अब बचे हुए हमारे जो दो ब्लू कलर के हैं इनको भी हम इसमें अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमारे सारे, तो देखिए फ्रेंड्स सारे धागे हमारे अटैच हो चुके हैं। मैंने एक साइड का ये डिज़ाइन बना भी दिया है। अब मैं इधर आपको बना के बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। तो हमको चारों ब्लू कॉर्ड लेनी है और सेंटर वाली कॉर्ड में हमें एक बीट डाल देना है। येलो बीट्स डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से, और फिर हमको यहाँ पर स्पाइरल नॉट लगा देनी है। जितनी नॉट मैंने उधर लगाई इतनी हमको लगानी है, बिल्कुल बराबर बराबर। आप या तो नाप कर या फिर गिन कर बिल्कुल इक्वल रखना है हमें। इस तरीके से हमको नॉट बना लेनी है यहाँ पर।
जितना हमने इधर ये नॉट बनाया है उतना ही मुझे इधर ही बना लेना है। देखिए छोटा बड़ा नहीं करना है, आप गिन कर भी कर सकते हैं। देखिए हम इधर गिन लेते हैं हमने कितना बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हमने यहाँ पर किया, मैं 16 ही रखती हूँ, 16 नॉट इधर है, 16 ही हमें इधर भी बना देनी है। ये देखिए वैसे तो इक्वल हो चुका है लेकिन हम गिन लेते हैं शायद कम हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक कम है हमारी नॉट यहाँ पर, हम इसको भी बना लेंगे। देखिए अब हमारी इक्वल हो चुकी है नॉट, तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये दोनों नॉट को मिला करके 8 धागे हो जाते हैं, तो हम बीच वाले 4 धागे लेंगे और उनमें भी बीच के लेकर के एक बीट्स इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरीके से एक बीट्स डाल करके हम यहाँ पर सिंपल स्क्वायर नॉट लगा देंगे। ये देखिए एक नॉट बस हमें यहाँ पर लगा लेनी है, फिर हमें ये साइड के 2 धागे लेने हैं और एक जो नॉट हमने लगाया है उसका धागे लेने हैं और उनमें भी हमें सेंटर वाले में एक बीट्स डाल देना है। और एक नॉट लगा देनी है यहाँ पर भी, ये देखिए सेम ऐसे ही हमें इधर भी कर लेना है। ये देखिए दोनों साइड में हमने नॉट लगा ली हैं बीट्स डाल करके, अब हम ये जो हमारा येलो वाला है, सॉरी ये हमारा ब्लू वाला है पार्ट, इसको हम इस तरीके से ऊपर की तरफ कर देंगे और अब ये हम येलो वाला पार्ट बनाएंगे। तो वही हमें इसमें भी करना है, पहले 4 धागे लेने हैं और सेंटर वाले 2 लेकर के इसमें एक बीट्स डाल देना है। यहाँ पर मैं ब्लू बीट्स डाल रही हूँ, देखिए इसमें भी हमें जैसे हमने ये नॉट बनाई थी सेम वैसे ही नॉट बना लेनी है। बस यहाँ पर हमें थोड़ी ज़्यादा नॉट बनानी है, वहाँ पर हमने 16 बनाई थी तो यहाँ पर उससे डबल यानी 32 कर देनी है हमें।
मैं नॉट बना करके रेडी करती हूँ। तो देखिए मैंने ये दोनों नॉट बना करके रेडी कर ली हैं। 20 यहाँ पर हमने 16 नॉट लगाई थी, यहाँ पर मैंने 32 दोनों साइड में लगा लिया है। तो आप देखिए आगे हमें क्या करना है, जैसे हमने ये किया था यहाँ पर बीड्स डालकर नॉट लगाया था, सेम वैसे ही यहाँ पर भी हमें करना है। सेंटर के दो पैरे ले लेने हैं और एक इसमें हमें बीड्स डाल देना है। और सिंपल स्क्वायर नॉट लगा देनी है। ये देखिए, और अब एक साइड के चार धागे फिर लेने हैं, दो इस नॉट के, दो हमारे जो साइड में थे, और उनमें से सेंटर वाले धागे लेकर के एक बीड्स डाल देना है। और यहाँ पर भी हमें एक सिंपल स्क्वायर नॉट लगा देनी है। और इस साइड भी हमें सेम वही करना है। और फिर एक नॉट यहाँ पर लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से हमारी नॉट लग करके रेडी हो गई है। अब हम ये ब्लू वाला पार्ट इधर करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और ब्लू वाले जितने भी कॉर्ड्स हैं हमारे, उनको हम येलो वाले के अंदर से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सारे हमने अंदर की तरफ निकाल लिए हैं। अब हम फिर से ये येलो वाले कॉर्ड को, सारे कॉर्ड्स को ऊपर की तरफ ऐसे कर देंगे ताकि हमें ये बनाने में आसानी हो। अब हमें सेम जैसे हमने येलो में कॉर्ड्स बनाई थी ना 32, तो वही हमें इसमें भी यही करना है। यहाँ से हमें स्टार्ट कर देना है। ये जो हमने नॉट लगाई थी इसको हमें छोड़ देना है, बाकी हमें 32 नॉट्स यहाँ पर जो है लगा देनी है, स्पाइरल में लगानी है अभी हमें। हम क्या करते हैं फ्रेंड, ये जो हमने नॉट लगाई है इसको भी हम खोल के स्पाइरल में ही यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये फर्स्ट नॉट जो हमने बीड्स के नीचे लगाई थी, हम यहीं से अपना स्पाइरल नॉट स्टार्ट कर देंगे। वो नॉट को भी हम खोल देंगे। ये देखिए, तो देखिए हमें यहाँ पर भी 32 नॉट्स लगा लेनी है, 32 हमें इधर भी लगा लेनी है। और उसके बाद में इसी तरीके से जैसे ये बीड्स पड़े हैं, इसी तरीके से हमको बीड्स भी डालने हैं। तो चलिए डालते हैं। ये मैंने ब्लू वाले भी 30-32
नॉट बनाने के बाद में बीट्स भी डाल लिए हैं। अब देखिए हमको फिर से वही करना है, पहले हमने ब्लू वाले को अंदर डाला था, अब हम येलो वाले सारे कॉर्ड्स को इस तरीके से अंदर डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये ब्लू वाले ऊपर की साइड कर देंगे। अब फिर हमें सेम प्रोसेस वही करना है जितना ब्लू वाला बनाया था, वैसे ही हमें इधर भी नॉट्स बना करके और बीड्स डाल लेने हैं। तो चलिए डालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ब्लू के भी येलो के भी कॉर्ड बना करके रेडी कर लिए सारे नॉट, और ये नीचे डाल दिया है फिर पहले के तरीके से। और फिर हमको इसमें भी उसी तरीके से नॉट लगा लेनी है, सेम वही प्रोसेस रहेगा हमारा लास्ट तक। 32 नॉट्स हमें यहाँ पर भी लगानी है। इस तरीके से हमें इसमें भी नॉट लगा करके और ये ऐसे ही बीड्स डाल करके नीचे रेडी कर लेना है। उसके बाद फिर से हमें एक येलो और बना लेनी है, तीनों का बना लेना है। इतना कर मैं रेडी करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये नीचे तक बना करके रेडी कर लिया है। 2 टाइम हमारा येलो फुल नॉट बना है 32, और 2 टाइम ब्लू 32 नॉट बने, और ये ऊपर हमारा ब्लू वाला 16 नॉट था, तो नीचे हमने क्या किया है 3rd टाइम पे येलो वाले में भी 16 नॉट कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो लास्ट में 4 लाइन हमारी हैं, ये हमारी बिल्कुल इक्वली आनी चाहिए। ये देखिए मेरी चारों लाइनें एकदम इक्वल हैं, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, ये येलो वाले सारे कॉर्ड्स को हमें नीचे कर देना है और ब्लू वाले ऊपर लेने के बाद में सेंटर के 2 धागे लेने हैं और 1 बीड्स इसमें डाल देना है। मैं इस बार थोड़ा सा दूसरा बीड्स ले रही हूँ, बड़ा वाला। ये देखिए मैं दूसरा बीड्स डालूंगी इसमें, क्योंकि इसमें हमें अंदर से दोबारा निकालना पड़ेगा अपना रिंग अटैच करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर दूसरा बीड्स डाला है ये। और अब हमें क्या करना है, इसमें हमें सिंपल स्क्वायर नॉट लगा देनी है। ये देखिए 5 टाइम हमको यहाँ पर सिंपल स्क्वायर नॉट लगा देनी है। इसको इसमें हम अपना रिंग अटैच करेंगे, बिल्कुल अलग तरीके से ये रिंग अटैच होगा। देखिए 2, 3, 4, ये देखिए 5 टाइम हमारी नॉट लग गई है। 1, 2, 3, 4, 5 5 टाइम हमारी नॉट लगी, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे हम। अब हमारे जो 2 ब्लू कलर के हैं धागे, उनको लेना है और 2 हमको येलो लेने हैं, और इसमें 1 बीड से हमें डाल देना है। और अब यहाँ पर फिर से 1 सिंपल स्क्वायर नॉट हमें लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से। और फिर हमें क्या करना, फिर ये 2 धागे इस नॉट के लेने हैं, 2 हमारे जो बचे थे येलो वाले वो लेने हैं, और फिर से इसमें 1 बीड्स डाल देना है। और सिंपल स्क्वायर नॉट यहाँ पर लगा देनी है। और ऐसे ही हमें इधर भी नॉट लगा लेनी है। जैसे हमने ये दोनों मोती डालकर नॉट लगाई है, सेम ऐसे हमें इधर भी डालकर लगा लेना है। ये देखिए मैंने इस साइड भी अपना बीड्स अटैच कर लिया है, दोनों साइड हमारे बीड्स अटैच हो चुके हैं। अब हमको अपना रिंग इसमें अटैच करना है। तो देखिए क्या करना, उसके लिए
इस तरीके से हम अपना रिंग लेंगे और ये जो हमने बीच में 5 नॉट बनाई थी ब्लू कलर की, उस पर ऐसे बीच में ऊपर की तरफ रख देना है। और जो हमारे ये नॉट के 4 धागे थे उसमें सेंटर वाले 2 धागे हमको ले लेने हैं, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर थोड़ा सा गैप कर कर और इसी बीट्स के अंदर से डाल करके हमें इन धागों को अपने ऊपर निकालना है। अगर थोड़ा टाइट हो रहा तो आप किसी चीज़ की मदद से इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें धागों को निकाल लेना है ऊपर की तरफ। और देखिए इनको ऐसे पीछे की तरफ हमें कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से नीचे खींच लेना है बहुत टाइटली से। ये देखिए इस तरीके से ये रिंग हमारा बिल्कुल इसमें अलग तरीके से थोड़ा ये अटैच हुआ है। ये देखिए इसको अटैच करने के बाद में बाकी सारे कॉर्ड्स को हम साइड कर देंगे। ये देखिए चार, और ये 4 कॉर्ड लेंगे हम, 2 जो हमने इसी नॉट के नीचे छोड़ के रखे थे, ये देखिए ऐसे इनको भी हम नीचे की तरफ रिंग के नीचे रखेंगे। और इसमें ये सिंपल स्क्वायर नॉट नीचे की तरफ हम लगा देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें टाइटली फिट हो जाए। ये देखिए इस तरीके से अब हमारा रिंग इसमें अच्छे से बिल्कुल अटैच हो चुका है। अब हमें सारे धागों को रिंग के नीचे रख लेना है, रिंग हम अपना ऐसे ऊपर की तरफ कर देंगे और ये सारे नॉट हमको लगा लेने हैं। पहले हम ये ब्लू वाले लगा लेते हैं। ये हमारा पूरा इक्वल में आ जाए। देखिए एक ब्लू हम इधर भी लगा लेंगे क्योंकि इस दोनों साइड में येलो नॉट हमारा लगा हुआ है पहले से ही। ये देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें नीचे थोड़ा सा हमें डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए हमें ये देखिए 2 हम कॉर्ड येलो वाले साइड के दोनों साइड से निकाल देंगे और बीच के 2-2 कॉर्ड लेकर के एक नॉट बना देंगे। ये देखिए फिर हम 4 कॉर्ड लेंगे और उनमें नॉट लगा देंगे। जो धागे हमारे छोटे हो जाए हम उनको जोड़ लेंगे। एक नॉट और लगाएंगे। इस साइड भी हम वही करेंगे, 2 कॉर्ड साइड वाले ऐसे निकाल देंगे और बाकी 4 से हम नॉट लगा लेंगे। ये देखिए एक लाइन हमारा नॉट लग करके रेडी हो गया है। अब अगली लाइन में हमको क्या करना है, पहले हमने 2 साइड के कॉर्ड छोड़े थे, अब हम और 2 साइड के कॉर्ड छोड़ देंगे दोनों साइड से। अब हमारे ब्लू रह गए हैं सारे और येलो वाले सारे साइड में हट गए हैं, फिर हम ब्लू का नॉट लगा लेंगे। भी
आप ये नेक्स्ट लाइन में फिर दो दो ब्लू भी हटा देंगे और बीच के चार लेकर के इसमें हम नॉट लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारा एक डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है थोड़ा ऐसे आकार में। अब हम जो छोटे धागे हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने सारे धागों को जोड़ लिया है जो हमारे छोटे हो गए थे। अब देखिए हमको क्या करना है, अपने रिंग को इस तरीके से ऊपर की तरफ ही रखना है और हमारे पास सारे हमारे धागे हैं ये नीचे, हमको हाफ हाफ डिवाइड कर देने हैं। देखिए चार येलो और चार ब्लू एक साइड कर देने हैं और चार येलो चार ब्लू हमें एक साइड कर लेने हैं। अब हमें इसमें नीचे डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए येलो में जो हमारे दो कॉर्ड है एक नॉट के, पहला हमको लेना है और बाकी सारे धागों को उस पर पाइपिंग करना है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल चिपकाते हुए टाइप पाइपिंग करनी है हमको यहाँ पर। दो दो बार सभी धागों को हमें पाइपिंग कर देना है। ये देखिए सारे धागों को हमने यहाँ पर पाइपिंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, वही जो जिस धागे पर हमने पाइपिंग किया है उस धागे को ऐसे ही मोड़ लेना है और येलो वाला जो पहला धागा उसको लेकर के हमें एक बार देखिए ऊपर की तरफ से पाइपिंग करनी है, बाहर की तरफ धागा करके एक बार ऊपर की तरफ से, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, और एक बार ऐसे नीचे अंदर की तरफ से तीन नॉट यहाँ पर हमको बना लेनी है। एक होगी, ये देखिए दूसरा, तीन नॉट हमको यहाँ पर बना लेनी है, तीसरी भी होगी। ये देखिए तरीके से तीन नॉट हमारी बन गई है, 1 2 3। अब हमें क्या करना है, हमारे पास येलो तीन कॉर्ड है, फर्स्ट कॉर्ड हमें लेना है और उसमें एक बीट्स डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से, और फिर हमें इसको ऐसे फिर मोड़ करके बाकी फिर जितने भी कॉर्ड हमारे पास बचे हैं उनको इस पर पाइपिंग कर देना है। ये देखिए इस तरीके से, ये जो पाइपिंग वाला कॉर्ड है इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। बाकी के कॉर्ड हम ऐसे ही पाइपिंग कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस देंगे हम जितना हमारा बीट्स है। और नीचे हम डिस्टेंस कम करते जाएंगे। ये देखिए ये हमारा एक डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया। ऐसे ही हमको फिर
हम वही पाइपिंग वाला धागा फिर से इस साइड में मोड़ लेंगे और फिर पाइपिंग करेंगे, बिल्कुल चिपकाते हुए पाइपिंग करनी है हमें यहाँ पर फिर से। सभी कॉर्ड्स को इस पर पाइपिंग कर देना है हमें। अब देखिए जो हमने फर्स्ट वाले डिजाइन में येलो कॉर्ड छोड़ा था इसको भी हमें पहले इस पर पाइपिंग कर देना है, जैसे हमने सारे धागों को किया है, ये देखिए इस तरीके से। और फिर हमें इसी धागे को बाहर की तरफ निकाल करके तीन नॉट फिर से बना देनी है जैसे हमने ये इसमें बनाई थी। ये देखिए, और फिर इस धागे को ऐसे ही छोड़ देना है। फिर से हमें एक बीट्स इसमें डाल लेना है, फिर रिपीट वही डिज़ाइन फिर से बना लेनी है। ये देखिए इन कॉर्ड को भी हमें पाइपिंग कर देना है वैसे ही। ये देखिए दो लाइन हमारी बन करके रेडी हो चुकी है, ऐसे हमको दो और बना लेनी है। चलिए बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फोर लाइन यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। अब जैसे मैंने इधर का डिज़ाइन बनाया है सेम ऐसे ही मुझे इधर का भी हमें डिज़ाइन कंप्लीट कर लेना है। चलिए करते हैं। तो देखिए मैंने दोनों साइड में फोर फोर लाइन बना करके कंप्लीट कर लिया है। आप देखिए आगे हमको क्या करना है, ये जो हमारे बीच के दो धागे हैं जिन पर हम पाइपिंग कर रहे थे दोनों साइड, उनको देखिए क्या करना है। इस साइड वाले राइट साइड के धागे को लेफ्ट में और लेफ्ट वाले को राइट में इस तरीके से पाइपिंग कर देना है हमको एक बार। ये देखिए इस तरीके से सारे धागों को पाइपिंग कर देना है। ये देखिए लास्ट वाला जो हमारा पाइपिंग वाला कॉर्ड था जो हम साइड में छोड़ के रखे थे उसको भी हमें ऐसे पाइपिंग कर देना है। सारे धागे हमें अंदर ले आने हैं। अब इस साइड भी, इस साइड का कॉर्ड भी हम लेंगे और उसको भी पाइपिंग कर लेंगे साइड में।
लीजिए सारे कॉर्ड्स को, पाइपिंग कर देना है हमें। ये लास्ट वाला भी, इधर भी हम कर देंगे पाइपिंग। ये देखिए हमारे सारे कॉर्ड्स पाइपिंग हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, ये हमारे जो छोटे कॉर्ड हैं इनको हम जोड़ लेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, हमारे पास चार येलो हैं इधर, चार येलो इधर हैं, और बीच में सिक्स कॉर्ड हैं ये ब्लू कलर के, तो बीच में हमको सिक्स ऐसे ही रखने हैं। और चार ब्लू हम इधर से लेंगे जो इधर से, और इसमें सिंपल स्क्वायर नॉट लगा देंगे हम। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है हमें। ये देखिए इस तरीके से ये धागों को हम थोड़ा थोड़ा खींच देंगे। इधर के भी धागों को हम खींच कर टाइट कर लेंगे। ये देखिए हमारी नॉट बिल्कुल अच्छे से बन गई है। अब हम फिर से ये जिस धागों पे हमने पाइपिंग किया था उनको इस तरीके से फोल्ड करके इस साइड में ला के फिर से हमें सारे धागों को पाइपिंग कर देना है इसमें। ये देखिए इस तरीके से, सारे येलो हमारे पहले पाइपिंग कर लेने हैं हमें। ये देखिए येलो कॉर्ड हमारे सारे पाइपिंग हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, ब्लू हमारे पास सिक्स कॉर्ड थे, थ्री हमें एक साइड कर लेने हैं और थ्री एक साइड कर लेने हैं। अब जो हमने साइड किया उनको इस पर पाइपिंग कर देना है हमें। ये देखिए एक साइड का हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब सेम ऐसे ही हमें इधर भी पाइपिंग करके कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए मैंने इधर का भी डिज़ाइन बना करके बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारे पाइपिंग वाले धागे थे दोनों, उनको हमें क्या करना, एक दूसरे पे पाइपिंग कर देना है। राइट वाले धागे पर हमें लेफ्ट वाले को पाइपिंग कर देना है। देखिए इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया डिज़ाइन। अब हमें इन धागों को कट कर देना है। अगर आपको लंबे में चाहिए तो आप लंबा भी कर सकते हैं। बीच के चार धागों को सेम इक्वल पे काटूंगी। ये देखिए इतना, और उसके बाद आप इनको इस तरीके से कट कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए इस तरीके से छोटे बड़े में करके आप कट करिए इनको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने धागों को कट करके उनमें इस तरीके से बीच में दो लटकन डाल दिए हैं मैंने बेल्स, और ये साइड में तीनों में मोती डाल दिए हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, एक ब्लू कलर का 2 मीटर का लगभग धागा लेना है देखिए, और उसको इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद में ये देखिए ऐसे ऊपर की तरफ से डालेंगे हम।
और इसमें निकाल लेंगे धागे को। ये देखिए इस तरीके से कहीं से भी हम रिंग में स्टार्ट कर देंगे अपना बनाने के लिए। मैं इधर को कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमारा पड़ गया है ये। अब हमें क्या करना है, कहीं से भी स्टार्ट कर देना, वही नॉट बनानी है हमने जो यहाँ पर इससे बनाई थी। एक बार ऊपर की तरफ से, एक बार अंदर की तरफ से, देखिए इस तरीके से हमें पूरे रिंग को कवर कर देना है सेम नॉट लगा करके। और जब फ्रेंड्स हमारा ये रिंग कवर हो जाएगा ऐसे ही नॉट लगा करके, फिर जो ऊपर का हमारा रिंग है ना, इसके लिए भी हम थोड़ा सा, आप चाहिए तो येलो या ब्लू कोई भी कलर लेकर के इसको भी हमें सेम तरीके से कवर कर देना है। तो करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा रिंग कवर कर दिया है पाइपिंग करने के बाद में। देखिए तो ऐसा लुक आएगा इसका। और ये ऊपर का रिंग भी मैंने येलो से कवर किया है, नीचे का मैंने ब्लू से किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बिल्कुल टावल हैंगर बनकर के रेडी हो चुका है। बहुत ही न्यू एंड यूनिक डिज़ाइन है ये, इसका लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए आप चाहिए तो ये वाला डिज़ाइन इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, इस तरीके से ही बनकर वो ऐसे आएगा, आप ऐसे भी बना सकते हैं, वो भी अच्छा ही लगेगा। लेकिन ये डिज़ाइन बनाने के बाद में और भी प्यारा लगता है। तो जैसा आपको अच्छा लगा वैसा बनाइए। तो देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है ये मेरा, हम बिल्कुल बन करके रेडी हो चुका है। इसके लटकन, ये बीड्स इस तरीके से मैंने डाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।